हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकेडमी का डायरेक्टर वीर कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आने की अधिक संभावना है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इस तरह का सारा क्वेश्चन और भी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का स्पेशल बुक है, वॉल्यूम वन, लक्ष्य अकेडमी का वॉल्यूम वन। नेक्स्ट, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का दूसरा बुक है, वॉल्यूम टू। इसमें इस बुक में आपको दोनों ही इस किताब में आपको हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है और ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी का बुक है, हिंदी में लिखा हुआ किताब है। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इंग्लिश में रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग हिंदी में रहेगा और काफ़ी बेहतरीन किताब है। तो जिस स्टूडेंट को ये बुक चाहिए होगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8252656697 पर अपना पूरा एड्रेस लिखवा देंगे, ये किताब उन तक पहुँच जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, एक रूट है, एक रूट को हटा दिए, यहाँ पर इसको दो से हम लोग भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूना चार, दो चौका आठ। फिर एक रूट को यहाँ से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, इस ये रूट हटाएंगे दो आएगा, दो इकाई दो, दो गुना चार, यानी अभी 12 आ चुका है। फिर एक रूट हटा देंगे, यहाँ पर दो लगाएंगे, दो छक 12, और फिर ये लास्ट रूट हटा देंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3, क्लियर। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब 2 का पावर 3, क्लियर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 × 2 × 2, दैट इज 8। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, है ना। सेम इसी तरह से आप इसको भी बनाएंगे, क्लियर। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर जैसे इस रूट को हटाएंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16, फिर इस रूट से हटाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर इस 8 को इस रूट को हटाएंगे 2 यानी 4, और फिर इस रूट को हटाएंगे 2 यानी हो गया 2, क्लियर। तो 3 का पावर 2, दैट इज 3 × 3, दैट इज 9, है ना। तो आप इस तरह से काफी आसान तरीके से आप ये काम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, इसको मैं थोड़ा वाइप कर लूं, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है परीक्षा में, उसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप देख लीजिए यहां पर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x प्लस, ये क्वेश्चन अक्सर आपने भी परीक्षा में देखा होगा, x प्लस 1/x, क्लियर, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 एंड x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, या x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैं आपको इसका सुपर ट्रिक्स देने वाला हूँ और आप देखेंगे कि इस तरह का परीक्षा में आप कभी नहीं फंसेंगे ये क्वेश्चन आने पर। ये ट्रिक्स, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, जब तीनों ही जगह प्लस रहेगा तब ये स्पेशल ट्रिक्स काम करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जब तीनों प्लस में रहेगा तभी ये ट्रिक्स काम करेगा, या माइनस में रहेगा मतलब साइन 1 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात को समझिए, आपको x प्लस 1/x ये पार्ट इज इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका पावर देख लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे सुपर ट्रिक से, ये आपका हर क्वेश्चन में काम करेगा, लेकिन यहाँ पर साइन 1 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का
लेंगे, क्लियर, माइनस टू कर लेंगे, ये जो पावर जितना दिया रहेगा बस आप इतना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पांच का स्क्वायर 25 और 25 माइनस दो दैट इज 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है इसको भी चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्लियर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि पावर कितना है, तीन है पावर, क्लियर, पावर तीन है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, पांच का, ये जो पांच दिया हुआ है पांच का क्यूब करेंगे, है ना, पांच का क्यूब माइनस, क्लियर। अब क्या करेंगे, तो यहां पर जो क्यूब है थ्री, तो थ्री इंटू फाइव कर देंगे, क्लियर, थ्री इंटू फाइव कर देंगे, तो पांच का क्यूब क्या हो जाएगा 125 माइनस 15, क्लियर, 125 में से 15 घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 110, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे कि सीजीएल वगैरह एग्जाम में या एसएससी का लगभग कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप यहां पर ध्यान पूर्वक सीखेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस शुरू से लास्ट तक देखिए, कहीं स्किप नहीं करिए, आपको सारा क्वेश्चन खूब बढ़िया से सुपर ट्रिक्स के साथ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए ध्यान देंगे, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू इस तरह का है 1 2 4 1 3 2, क्लियर, इसको 5 से डिवाइड करना है, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन का भी सुपर ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, जिससे आपका प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं कोई मामला फंसेगा नहीं, क्लियर। 5 से कोई भी गुना 5 से आपको करना हो तो आप सिंपल तरीका तो एक है ही आपके पास कि आप इस तरह से 1 2 4 1 3 2 करेंगे और 5 से डिवाइड देंगे, क्लियर। तो इस तरीका आपको अब हम लोग नहीं करेंगे, ये तरीका पुराना हो गया मान लीजिए, और हम लोग तेज गति के साथ ज्यादा फास्ट तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाले अंक का, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको हम लोग नीचे वाले अंक को डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा, ऊपर वाले अंक को, न्यूमरेटर को हम लोग दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे, कैसे करेंगे दुगना, ध्यान दीजिए, यहां एक का दुगना दो, दो दुगना चार, चार का दुगना आठ, एक का दुगना दो, तीन का दुगना छह और दो का दुगना चार, क्लियर। इस तरह से हम लोग इसका दुगना कर लेंगे और इकाई अंक के तरफ से, इस तरफ से डियर स्टूडेंट्स, इस तरफ से आप एक अंक के बाद यहां पर पॉइंट बैठा देंगे, बस हो गया आंसर, क्लियर। तो कोई भी गुणा अगर आपको दिया जाता है, कोई भी डिवीजन